सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी, और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन, हफ्ते के पहले कारोबार दिन, कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है, और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, सबसे पहले बात करें अगर कैसा सीड की, तो देख रहे हैं कि इस वक्त कैसा सीड का फरवरी वायदा 6566 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, और 6590 का ही लगा चुका, आधे फीसदी की तेजी है। रूपा जी, जैसा आपने बताया था कि कैसा सीड आने वाले दिनों में 6500 का स्तर छू सकता है, आज आपका वो लेवल एक बार फिर से अचीव होता नजर आ गया, आपका टारगेट अचीव नजर होता आ गया है, टारगेट अचीव होता नजर आ चुका है, और जो हाई है 6590 का है। रूपा जी, देख रहे हैं कि 6600 से भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, आपको क्या लगता है, क्या कैसा सीड आज इंट्राडे में 6600 का भी लेवल तोड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल, जो तेजी बनी है, इस तेजी में एक्सपेक्टेड है कि 6600 तक, इनफैक्ट 6800 तक के टारगेट अब बन सकते हैं, 6800 तक की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं मार्च वायदा की अगर हम बात करें तो मार्च वायदा में ये लेवल एक्सपेक्टेड है, और आज इंट्राडे में फरवरी वायदा बिल्कुल 6600 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है जी। इससे रूपा जी, बात करें अगर बिनौला कल की, तो देख रहे हैं कि बिनौला कल का फरवरी वायदा 3099 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, और 3073 का लो लगा चुका है, आधे फीसदी की गिरावट भी बनती नजर आ रही है। रूपा जी, देख रहे हैं कि अब 3100 के बाद बिनौला कल 3000 के लेवल्स पर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है ये जो कीमतें हैं किस ओर इशारा कर रही हैं, कि यहाँ से बिनौला कल में जो गिरावट है वो और गहराएगी, या फिर इन स्तर से खरीदारी करें और तेजी आएगी? देखिए, अभी फिलहाल जो है ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली जरूर हावी होते हुए हम देख रहे हैं, और 3100 के नीचे टूट जाना थोड़ा सा टेक्निकली भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ से अभी बाजार थोड़ा सा और घिरा सकता है डाउनसाइड की तरफ, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सपोर्ट भी यहाँ पर 3060 के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 3060 से 3080 के आसपास। वहीं फरवरी वायदा एक्सपायरी के बेहद करीब है, तो उसके अलावा हम अगर बात करें मार्च वायदा की, तो मार्च वायदा 3080 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, अगर वहां से गिरावट बढ़ती है तो फिर हम नीचे में हो सकता है 2980 तक भी इसको जाते हुए दिखाई दे, लेकिन फिलहाल 3080 के सपोर्ट के साथ बाजारों में एक बार वापस से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है, जो कि इसको ऊपर ले जा सकता है। देखिए, लगातार तेजी के बाद इस पे करेक्शन ड्यू था, वो करेक्शन अब घिराता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां से 50 से 100 रुपए मैक्सिमम और डाउनसाइड हो सकता है कि देखने को मिले, वहां से वापस से बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन आज इंट्राडे में थोड़ा सा प्रेशर बना रह सकता है जी। ये रूपा जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों पर देख रहे हैं कि एक बार फिर से खरीदारी लौटी है, निचले स्तरों से एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है, खासकर कि जीरे और धनिया के अंदर काफ़ी शानदार एक बढ़त एक बार फिर से बनती नजर आ रही है। सबसे पहले बात करें अगर धनिया की, तो देख रहे हैं धनिया का अप्रैल वायदा 10632 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1.5% की तेजी है। रूपा जी, देख रहे हैं कि धनिया की कीमतें एक बार फिर से तेज होती नजर आई हैं, आपको क्या लगता है, क्या अब धनिया 11000-12000 के लिए जाने के लिए यहाँ से रेडी है? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि तेजी बन सकती है और अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। मैंने पहले भी बताया था कि मसालों में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, और उसके चलते आप देखिए धनिया, जीरा, हल्दी सब में वापस से बाइंग देखने को मिली है। और जहां तक धनिया की बात है, धनिया ऊपर में एक बार एक्सपेक्टेड है कि 12000 तक का स्तर अप्रैल वायदा छू सकता है, तो यहाँ पर भी बाइंग किया जा सकता है थोड़ा से करेक्शन के ऊपर, क्योंकि आज ऑलरेडी मार्केट 2.5% की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जो हल्की जिस दिन करेक्शन आए उस दिन इसमें बाइंग कर सकते हैं, और 12000 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं जी। ये सिर्फ जी, बात करेंगे जीरे की, तो देख रहे हैं कि जीरे का मार्च वायदा 20440 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, बीते ही कारोबारी सप्ताह ने देख लिया था कि आपका जो टारगेट था वो अचीव होता नजर आ चुका था, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जीरे ने 20000 का लेवल तोड़ दिया था, 20000 का टारगेट अचीव होता नजर आ गया था। आज भी देख रहे हैं कि जीरे में तेजी बनती नजर आ रही है, 20500 पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या इस कारोबारी सप्ताह मसालों में तेजी बनी रहेगी, या फिर यहाँ से करेक्शन भी आएगी? देखिए, अभी जीरा फिलहाल तेजी में ही रहेगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं हम घरेलू बाजारों में भी जीरे की जो है वो कमी देखने को मिल रही है, और डिमांड अच्छी खासी निकलती हुई दिखाई दे रही है, और राजस्थान और गुजरात में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जीरे की पैदावार होती है, और अभी जिस तरीके से सरकारी आंकड़े अगर
के ऊपर हम नजर डालें तो उनके मुताबिक इस साल जीरे का उत्पादन करीब 45% कम बताया जा रहा है, जिसकी वजह से कीमतें लगातार उछलती हुई दिखाई दे रही हैं और स्थानीय मंडियों के अंदर भी जीरे की कीमतों में लगातार अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है और दाम जीरे के दाम बढ़ने से इसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी फिलहाल असर आता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जीरे की अच्छी खासी डिमांड बढ़ सकती है और जिसके चलते कीमतों के अंदर सपोर्ट बना रहेगा और कीमतों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं अगर जहां पर जीरे की जब आवकें आएंगी, अराइवल्स आने शुरू होंगे, तब हल्का प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी फिलहाल ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आवकें जो है अप्रैल में स्टार्ट होंगी तो इससे पहले जीरा जो है अभी 1 से 1.5 महीना और तेजी की तरफ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब 20,000 के ऊपर जिस तरीके की इसमें तेजी बनी है तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये 22,000 से लेकर 23,000 का भी स्तर छू दे, तो यानी कि काफी पॉजिटिव मोमेंटम फंडामेंटल सपोर्टिव है और टेक्निकली भी चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ये सिर्फ जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड ये जो एक रेंज में ट्रेड करते नजर आते हैं कि नीचे में ये लेवल और ऊपर में वो लेवल, देख रहे हैं कि ग्वार गम एक बार फिर से 12,000 की ओर जाता नजर आ रहा है और ग्वार सीड 6400 की ओर हल्की हल्की बढ़त निचले स्तर से फिर से बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या ग्वार गम और ग्वार सीड ऐसे ही एक रेंज में देखने को मिलती रहेंगे और कभी मंदी तो कभी तेजी, कभी ग्वार में ऐसी उठापटक देखने को मिलती रहेगी? देखिए काफी वोलेटाइल कमोडिटी है ये और इसके अंदर काफी ज्यादा अपसाइड और डाउनसाइड देखने को मिलते हैं, तो इसलिए जब तक डिमांड निकल रही है तब तक ये बाजार तेजी में रहेगा। और अभी भी देखिए वैसे देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा फंडामेंटली ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, लेकिन हाँ जिस तरीके से अभी सिनेरियो बनाया जा रहा है, व्यापारियों की तरफ से खरीदारी इन स्तरों पर भी की जा रही है और 12,000 के ऊपर जैसे ही जाता है वहां पर एक प्रेशर आता है और अगेन नीचे स्तरों पर फिर से खरीदारी देखने को मिलती है, तो यही ट्रेंड अभी कंटिन्यूशन में रह सकता है। मार्च वायदा की बात करें तो नीचे में सपोर्ट जो है वो 10,000 का है, तो ऊपर में 12,000, अगर 12,000 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो आपको 13,000 से 15,000 के स्तर भी एक्सपेक्टेड है कि गम दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहीं अगर हम सीट की बात करें तो सीट में भी नीचे में 6,000 का सपोर्ट है तो ऊपर में 6,500 का, तो ये फिलहाल रेंज बाउंड है, तो इस तरीके की ट्रेडिंग अभी फिलहाल इसके अंदर देखने को मिल सकती है। जी ये सिर्फ जी बात करें अगर सोयाबीन की तो देख रहे हैं कि सोयाबीन इंटरनेशनल मार्केट में तो $1,560 के ऊपर निकल चुकी है और अब मार्केट में ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि अब सोयाबीन की जो कीमतें हैं वो $15 प्रति बुशल हो सकती हैं। रूपा जी देख रहे हैं कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील में भी सूखे के हालात हैं, उत्पादन अनुमान बहुत सारी एजेंसियों ने घटा दिया है और अब जो उत्पादन अनुमान घटाया है उसमें भी अब कटौती की जा रही है एक के बाद एक लगातार। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय सोयाबीन की कीमतों में भी यहाँ से अब उछाल देखने को मिल सकता है? देखिए फंडामेंटल तो काफी सपोर्टिव है और कीमतों में उछाल जो है एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है, लेकिन इलेक्शन के चलते अभी जो प्राइजेस हैं वो काफी एक रेंज में देखने को मिल रहे हैं, तो आप मान के चलिए देखिए ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फंडामेंटल भी पॉजिटिव है इस कमोडिटी के, लेकिन बाजार अभी रुका हुआ है, तो अभी एक हो सकता है कि 1-1.5 महीना आपको यही ट्रेंड देखने को मिले, उसके बाद बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई दे, लेकिन अभी फिलहाल का जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है नो डाउट इसमें सोयाबीन के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि विदेशी बाजार भी काफी अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रोडक्शन भी जिस तरीके से घटता जा रहा है उसका भी एक असर आने वाले दिनों में कीमतों पर देखने को मिल सकता है, तो सोयाबीन के अंदर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर हम प्रोस्पेक्टिव देखें तो बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी कुछ दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहा है, सब जानना चाह रहे हैं सरसों में अभी आगे क्या रहेगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब आगे नई आवकें आने वाली हैं और इस बार जो उत्पादन रह सकता है वो भी बंपर रह सकता है, पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है और रूपा जी हमने देखे हैं कि रकबा भी इस बार ज़्यादा बढ़ा है बुआई का, तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या सरसों इस बार MSP पर बिक पाएगी? देखिए सरसों की कीमतों में जो प्रेशर है वो बना रह सकता है, बिल्कुल सही बात है कि अभी हम देख रहे हैं कि क्रॉप बहुत अच्छी खासी है, अगर हाजिर मंडियों में फिजिकल खेतों में देखा जाए तो बहुत अच्छी फसलें लहराती हुई दिखाई दी है अभी काफी जगहों पर, तो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन काफी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है और उसका असर कीमतों के ऊपर देखने को मिलेगा और डेफिनेटली प्राइजेस के ऊपर एक प्रेशर बना रह सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि डिमांड कैसे निकलती है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन हाल फिलहाल के लिए जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो सकता है कि सरसों की बढ़ते उत्पादन के चलते कीमतों के ऊपर एक प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिखाई दे, तो फिलहाल सरसों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, तेजी अभी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि बाजार जो है काफी सीमित दायरे में है और आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि बाजारों में करेक्शन बन सकती है। जी
रूपा जी, दर्शक हैं जिनका सवाल रिफाइंड सोया ऑयल सीपीओ को लेकर आ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं रिफाइंड सोया ऑयल सीपीओ में क्या करना चाहिए। देखिए अभी रिफाइंड सोया ऑयल सीपीओ इन कमोडिटीज के अंदर भी अभी थोड़ा बहुत देखिए अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, नो डाउट तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी फिलहाल तेजी की तरफ नहीं है मार्केट। अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि सुस्त है बाजार, और अभी आप ये मान के चलिए कुछ समय तक बाजारों में एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ आगे चलकर तेजी बन सकती है। तो करेक्शन के अंदर आपको बाइंग की रणनीति रखनी है और उसमें आपको थोड़ा वेट करना होगा, हो सकता है आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाए, 2 महीने का टाइम लग जाए प्राइसेस आने में, तो उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रही, जानना चाह रहे बिनौला खल को अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चलना है तो कौन सा लेवल अच्छा रहेगा। देखिए 3000 के नीचे अगर मिलता है तो वो लेवल फिलहाल काफी अट्रैक्टिव है बाइंग के लिए, और अगर 3000 के आसपास भी आता है तो वहां पर भी बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, दर्शक हैं जिनका सवाल गार्लिक को लेकर आ रहा है, लहसुन को लेकर आ रही है, जानना चाह रहे हैं लहसुन में अब आगे क्या होगा। रूपा जी देख रहे हैं कि लहसुन में अब कुछ हल्की बढ़त भी देखने को मिली है, अब आपको क्या लगता है क्या अब लहसुन की इंडस्ट्रियल डिमांड निकलना शुरू हो गई है। देखिए कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है लहसुन की, और अच्छा खासा प्रोडक्शन के बावजूद जो देखा है हमने कि पूरा सीजन जो है वो कीमतें काफी सुस्ती के साथ रही हैं और गिरावट के साथ कारोबार करती दिखाई दी है। छुटपुट तेजी बन सकती है लेकिन फिलहाल लंबी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी जिनमें अच्छा मुनाफा कमा कर चला जा सकता है। देखिए अभी तो फिलहाल अखिलेश मसालों में बैटर लगाना चाहिए, मसाले काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से मसालों में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। करेक्शन में बाय करना है तो मसालों के अंदर बाइंग की रणनीति लेकर चला जा सकता है, मसालों के साथ साथ ग्वार के अंदर भी बाय करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि ग्वार और मसाले इन दोनों में खरीदारी में रहा जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमा कर चला जा सकता है। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लेवल से इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।